स्टोरी वॉज दैट मुझे शाहरुख खान को एक आर्टिकल में डालने के लिए मुझे कुछ बहुत सारे खान को इंटरव्यू करना पड़ा. ही वॉज अ लाइक अ मशीन ऑफ कोटेबल कोट्स. मैगजीन सेड ओह यस यस या दैट्स अ इंटरेस्टिंग स्टोरी बिकॉज एब्सोल्युटली लकी टू फाइंड शाहरुख एज समबडी हु डिसाइडेड दैट मुश्ताक शुड बी अ पार्ट ऑफ अ फिल्म एंड You should try this. तो आपको लगता है हाँ चेप रहा है कितना चेपेगा बंद कर दे शाहरुख के बारे में कितना चेप रहा है. He is one of the best collaborators. He spoils you. Basically, he sets the standard so high. Hi guys, welcome to Fever FM. मेरा नाम स्तुति है और इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप एक बहुत ही एक्सक्लूसिव क्लब का हिस्सा हैं. वो है स्तुतिस बुक क्लब एंड विद मी टुडे समवन सो स्पेशल कि मैं बोलती हूँ कि इनका सर एक है पर इतने सारे हैट्स ये कैसे पहन लेते हैं. यू हैव बीन अ जर्नलिस्ट स्क्रीन राइटर ऑथर एक्टर हो गया हाउ डू डू दैट कोरियोग्राफर फैशन कोरियोग्राफर लाइक व्हाट इज हैपनिंग हाउ मेनी आवर्स इन अ डे मुश्ताक स्टार्ट विद दैट. थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर फर्स्ट टू बिगिन विद एंड दीस हेड्स एंड दीस कैप्स दैट यू आर टॉकिंग अबाउट टुडे व्हेन आई लुक अपॉन देम इवन आई वंडर how I manage this and I say it with great amount of understanding or being mindful of it. I think it was a situation of getting into something when somebody challenges you, not getting comfortable with something. Maybe we all attempts. Mine were some more interesting deep dives in places. With a lot of success. ये है आर्ट और ये है आर्टिस्ट और आर्टिस्ट से हम बड़े सवाल पूछेंगे पहले इनके आर्ट के बारे में बिकॉज ये इनकी लेटेस्ट किताब है. ये आइडिया कहाँ से आया बिकॉज यू क्लियरली आर अ मैन ऑफ सम अमेजिंग आइडियाज. हाँ सो हाउ डिड यू थिंक ऑफ दिस. मुझे थ्रिलर्स बड़ी पसंद है. मुझे हाँ करेक्ट. तो मेरी पैशन जो किताब मैं पढ़ता हूँ मैंने डिसाइड किया है कि वो जॉनर में लिखूंगा. तो मुझे एक पेज टर्नर चाहिए था. मुझे एक कहानी ऐसी बोलनी थी जिसमें बहुत ही सस्पेंस इंट्रीग बिट्रेयल लास्ट जो जो चाहिए आपको मिलेगा सीक्रेट्स अगेन में वो मेरा थॉट था. बट द बेसिक कोर आइडिया इज मुझे रूल ब्रेकर्स बड़े पसंद है एज कैरेक्टर्स. आई लाइक पीपल जिन्हों जिनको बोला गया है कि ये ना करें और उनमें वही चूल होती है करने की तो वो करते हैं. आकाश में वो बीमारी है उसके दिमाग में कोई कीड़ा है जो इज देयर अ लिटिल बिट ऑफ यू इन ओह या मे बी या 100% आकाश को बोला जा रहा है कि ये ना करें वो ही करता है और उसके बाद जो उसकी जिंदगी में तहस नहस होती है वो सीक्रेट्स. That's where the nerve is. That's where the seed is. And I began this thriller by going with his journey and saying, you fall in trouble, I'll take you through the web. And that's how Secrets Again was formed. And that's where it's in your hands right now. Lovely. So this is your first fiction? This is my first fiction. Because इन्होंने बड़े-बड़े लोगों की biographies लिखी हुई हैं. तो और उनमें से एक ऐसे guilty as charged. उनमें से एक ना ऐसा है कि मतलब मैं स्टॉकर ही करार कर दी जाऊं कि शाहरुख खान की अगर हम बात करें यू जस्ट आई नो योर लव फॉर शाहरुख खान कांट गेट इनफ ऑफ हिम. सो हाउ कूल वाज दैट. ओके टेल मी योर फर्स्ट मीटिंग बिकॉज़ यू गाइस गो बैक लॉन्ग वे एंड आई थिंक ही आस्क्ड फॉर यू ही सेड कि मैं इंटरव्यू दूंगा तो मुश्ताक को ही दूंगा. मेरी तो डेथ ही हो जाती अगर वैसे. ओह करेक्ट. तो सी दिस इज अ टाइम व्हेन आई थिंक वी जर्नलिस्ट एट दैट टाइम हैड अ मोर डायरेक्ट कनेक्ट टू स्टार्स. यस I did meet him when he comes to Bombay, post 4G that is, right? Nah. And for me as a journalist, if you ask me, like if today you're having an interview, you are just concentrating on where are these quotes coming from? He was like a machine of quotable quotes. He was just like, I think, hello bolne ke baad unka jo jawab aata tha, वो भी इतना स्पार्कलिंग होता कि इट वुड फील लाइक ओ गॉड यू हैव माय अटेंशन हियर. ही जस्ट मेक्स एवरीथिंग इंटरेस्टिंग. ही इज लाइक एंड सो वेल रेड लाइक एब्सोल्युटली लाइक कमांड ओवर लैंग्वेज एब्सोल्युटली कमांड ओवर टॉपिक लाइक एंड आई थिंक इट कम्स फ्रॉम हिज हिज ही इज अ सीकर ऑफ नॉलेज एंड आई थिंक इट कम्स फ्रॉम दैट. एंड
बट हम सब सीकर्स हैं नॉलेज के, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसकी रिटेनिंग पावर माशाल्लाह माइंड ब्लोइंग, ही जस्ट डजंट सीम टू फॉरगेट एनीथिंग। पर एक्चुअली जब आपने ये पिच किया था तो मैगजीन सेड ओह यस यस या दैट्स अ इंटरेस्टिंग स्टोरी बिकॉज़ आई थिंक टू बी फेयर ही वाज अ टीवी actor, star, TV actor. Yeah. And what I was writing was for a film magazine. So there was a clear demarcation ke that's a TV star, not a film star. So do we have something more? He doesn't fit the bill. What is the imagine. Interview? Yeah. I mean, just imagine. That's why I say the time has such a beautiful place in our lives, right? Like वो वक्त था, आज का ये वक्त है, और जब ये आज मैं बोल रहा हूँ तो एकदम अजीब लग रही है। उस टाइम वो काफ़ी ये था कि मुझे बोला गया था ना, तो अब मैं क्या करूँ, अब मुझे कोई तरीके से इसको सर्कमवेंट करके ये स्टोरी डालनी है। एंड ऑब्वियसली नाउ इट्स ऑलमोस्ट फोकलोर, बट दैट स्टोरी वॉज दैट मुझे शाहरुख खान को एक आर्टिकल में डालने के लिए मुझे कुछ बहुत सारे खान को इंटरव्यू करना पड़ा, क्योंकि फिर वो एक आर्टिकल का नाम, सो यू कुड पिच एज अ न्यू डिफरेंट आईडिया। हां, आई टेल यू व्हाट द आईडिया वाज, खान फेस्टिवल। ओह या, कि इतने सारे खान आ चुके हैं और ये सब ये हैं, और इनमें से एक खान ये है। यू नो, जी नहीं भरता जैसे बोलते हैं ना जब हम शाहरुख की बात करते हैं। बट वन थिंग दैट आई वांट टू नो, बिकॉज आपने अपने उस बायोग्राफी के लिए शाहरुख एंड गौरी का इंटरव्यू किया, यू हैड टू ऑफ कोर्स डू योर रिसर्च, व्हाट इज द वन थिंग दैट आफ्टर मीटिंग हिम एंड यू नो मीटिंग हिम एंड दोज अराउंड हिम सो क्लोजली, यू फील लोगों को अभी भी नहीं पता, बट दैट इज व्हाट सेट्स हिम अपार्ट, हैव यू बीन एबल टू काइंड ऑफ फिगर दैट आउट? Because we all try to understand कि क्या वो X factor, वो अलग चीज क्या है शाहरुख खान में? I think magical things don't have an answer. They don't have an answer. The fact that they don't have an answer makes them unique and once in a lifetime. I know I may sound like a fanboy when I'm saying this. No, we all are fanboys. Yeah, absolutely. Correct. So I know for a long time. You explain this to someone and says, you know, agar cricket khelta to captain hota, politician hota to PM hota, you know, ye mera, this is what I said in my book. And I thought agar philosophy jhadne lagta to wo spiritual guru hota. To ab jab ye sunte hain to aapko lagta hai ha chep raha hai, kitna chepega, band kar de Shahrukh ke bare mein, kitna chep raha hai. Lekin bhai, agar aap, you just end up spending 5 minutes, that's a Shahrukh Khan convert. It's like that. You end up meeting 5 minutes. आपने मिला जाते जाते ऐशा थोड़ा बात एक दो लाइन चार लाइन हो गई उसके बाद then I don't need to tell you anything. Then you seem to get what I mean. So I think his constant determination to stay put, his resilience. I know we talk about spirit of whatever, but here I feel that he doesn't take his stardom for lightly. He works hard for, you know. So I feel he never went where the crowd went. I think he was against the tide all the time. Films was something, I mean, everything you see visually, you're obsessed with films. Phir aapne shuru kiya, jo log films banate hain unko janna. You went on to actually work with them. एकता कपूर हो, शाहरुख खान हो, बिकॉज ओम शांति ओम एंड ऑल ऑफ दिस, टेल अस अबाउट दैट फील। आई मीन, हाउ वाज इट, वाज ही अ डिफरेंट पर्सन व्हेन यू वर ऑन सेट एंड व्हेन यू वर इंटरव्यूइंग हिम फॉर द बुक? डिड यू फाइंड एनीथिंग like different? Like I'll tell you, the transition of me being a journalist to films is very very, it's interesting. I also, because I told you, very soon in my life I became the editor of the magazine I just ended up speaking to, right? So I think it's the top job, it's your top dollar, you want to move on, you're young, you wonder ab kya karenge. So when you're questioning, you think that hey, now is the place to maybe try. By then the inroads of the place, I knew people who becomes your friend, and I was absolutely lucky to find Shahrukh as somebody who decided that Mushtaq should be a part of a film and you should try this, and
I was given a chance. But coming back to your question about how was he as a person to work with, then I think that he is one of the best collaborators that you can ever work with. You know, I forgot to tell you this. If you speak to anybody who's worked with Shah Rukh, you will always see, they keep on saying, Shah Rukh Khan spoils you. That, you know what I mean? But nothing seems to compare. Lovely. So as a creative collaborator, that's why I think he's ideal and he's fabulous. And I was lucky enough in my formative years that one found a voice like that who would cheer you and say, you had that, go for it. I mean, that's it. That's all it needs, right?